अक्सर हम लोग फाइल्स की, इमेजेस की, वीडियोस की मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं अपने लैपटॉप में, और फिर हमें ये समझ नहीं आता कि उन्हें डिलीट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे फोल्डर्स में मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं, उन्हें एक एक करके सेलेक्ट करके डिलीट करना बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर का डेमो दूंगा आज, जिससे कि आप उसे ऑटोमेटिकली डिलीट कर पाएंगे अपनी डुप्लीकेट फाइल्स को बिना किसी प्रॉब्लम के। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर में आपको कोई लिमिटेशन नहीं है कि जैसे आप देखेंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके अंदर में आप सिर्फ 10 फाइल्स या 100 फाइल्स डिलीट कर सकते हैं या कुछ ही फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्री वर्जन में, बाकी के लिए आपको पेड वर्जन खरीदना पड़ता है। इसके अंदर में ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी चाहें फाइल्स आराम से डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको एक बकायदा डेमो दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकांश गोयल और आप देख रहे हैं ऑनेस्टी टेक्निकल चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस आसान भाषा में बताता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए लैपटॉप की तरफ चलते हैं। ये जिस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है क्लोनस्पाई। तो अगर आप इसको यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर में क्लोनस्पाई डाउनलोड करके लिखेंगे गूगल सर्च में, तो पहला ही लिंक जो होगा वो डाउनलोड क्लोनस्पाई नाम से आएगा। आपको आप इसे खोल सकते हैं और इसकी .exe फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ विंडोज़ के लिए काम करता है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए इसको अपने और इसको रन कर लीजिए। तो इसको आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, तो आप स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन ही कंसीडर कर सकते हैं, 64/34 bit कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। कंप्यूटर में एक बार इंस्टॉल करने के बाद हम इसे रन कर लेते हैं। अब ये रन हमने कर लिया है तो देखिए इसके अंदर में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कंपेयर फाइल्स विद इन पूल वन, कंपेयर फाइल्स विद इन पूल टू, कंपेयर पूल वन टू पूल टू। तो हम एक कंपेयर पूल वन टू पूल टू फीचर का यूज़ करेंगे, साथ ही में हम सर्च करेंगे डुप्लीकेट्स के लिए। तो इसमें हम डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको कि सेम नेम से करना है आपको, टाइटल से करना है, एक्सटेंशन से करना है, फाइल्स नेम जो है उसका सेम हो या सिमिलर साइज हो तो इससे कर सकते हैं आप इसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक एक करके वो आपको पूछता रहेगा कि आपको ये डिलीट करनी है कि नहीं। तो सपोज़ आपके पास में सौयों फाइल्स हैं जो आपको डिलीट करनी है, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली डिलीट या फिर एक्सपोर्ट अ लिस्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन। पर अगर आपको सिर्फ 8-10 फाइलें ही डिलीट करनी है तो आप आस्क यूज़र से भी कर सकते हैं। अगर इसके ऑप्शंस की तरफ हम देखें तो अगर हम फाइल्स में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप exe फाइल्स को इन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है। तो अगर हम exe फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा उसको, यहाँ से एक्सटेंशन को हम डिलीट करना होगा, तभी हम exe फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें पहले फोल्डर्स को ऐड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ फोल्डर्स बनाए हुए हैं इस डेमो के लिए, तो जैसे आप देख पाएंगे इसके अंदर हम पहले ओरिजिनल वाले फोल्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं पूल वन में, और पूल टू में हम सेलेक्ट कर लेते हैं डुप्लीकेट वाले फोल्डर्स को। तो डुप्लीकेट फोल्डर के अंदर में सेम फाइल्स हैं एग्जैक्टली जो ओरिजिनल फोल्डर में हैं। अब हमें यहाँ पे कंपेयर पूल वन टू पूल टू करना है, ऑटोमेटिकली डिलीट करना है, और ओनली इन पूल टू यानी कि सिर्फ डुप्लीकेट्स हमें डिलीट करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो डुप्लीकेट के अंदर में आप जैसे देख सकते हैं 132 फाइल्स हैं 2.35 GB की, और ओरिजिनल के अंदर में भी 2.35 GB की 132 फाइल्स हैं। तो सेम फाइल्स हैं, तीन उसमें फोल्डर्स हैं, सेम फाइल्स हैं सारी डुप्लीकेट और ओरिजिनल में। अब अगर हम इस फोल्डर की तरफ चले और स्टार्ट स्कैनिंग शुरू करें हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 107 फाइल्स ही ली हैं जबकि 131 से ज्यादा फाइल्स थी वहाँ पे। ऐसा क्यों हुआ है अगर हम इसे चेक करें तो ओरिजिनल के अंदर में सॉफ्टवेयर हैं तो .exe फाइल्स भी हैं कुछ। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो टोटल हमारी 24 फाइल्स हैं, ठीक है। तो इन 24 फाइल्स की वजह से देखिए 24 फाइल्स हैं, तो 24 फाइल्स उसने नहीं ली हैं जो लेनी चाहिए थी। और अब ये यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहा है, ये सर्च फॉर डुप्लीकेट्स कर रहा है, इक्वल नंबर ऑफ फाइल्स जैसे यहाँ मिलती जा रही है और उसे डिलीट भी करता जा रहा है धीरे धीरे। अब देखिए खत्म हो चुका है, तो हम देख लेते हैं अब डुप्लीकेट में कितनी फाइल्स बची हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं सिर्फ 24 फाइल्स वो जो वही वाली फाइल्स बची हैं जो सॉफ्टवेयर में थी हमारी, और यहाँ पे अभी भी सारी फाइल्स हैं। तो इसको अगर हमें करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, ऑप्शंस में जाके जैसे मैंने आपको बताया इसको यहाँ से डिलीट करना होगा,
और ओके करने के बाद अगर हम फिर से स्टार्ट स्कैनिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 131 और यहाँ 24, तो ये 24 फाइल्स जो पहले नहीं है उसने ली थी सॉफ्टवेयर की, अब वो भी ले लिए हैं और अब वो भी डिलीट कर देगा सारी फाइल्स को। देखिए इसने यहाँ पे डिलीट करना शुरू कर दिया है, ये खत्म हो चुका है। अब अगर हम चेक करें डुप्लीकेट के अंदर में तो कोई भी फाइल नहीं है, एक फाइल है वो आई थिंक एक इसके अंदर हिडन फाइल होगी किसी के अंदर में, तो वो डिलीट नहीं होती है। अगर अब हम इसके अंदर में ओरिजिनल की अब हम चेक करें कि अगर थोड़ा सा हम चेंजेस करें इस फाइल के अंदर में, तो इस फाइल को हम ओपन करते हैं एक बार और इसको चेंज करते हैं, तो हम सपोज पहला नंबर को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और फिर सेव कर लेते हैं फाइल को, फाइल सेव कर लेते हैं। अब डिलीट करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या होता है। तो देखिए कोई भी फाइल डिलीट नहीं हुई है, जीरो रहेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको डिलीट करके वापस ओरिजिनल की कॉपी यहां से बना के इसका सिर्फ फाइल नेम चेंज करें आप, तो क्या कर पाएगा ये हम चेक करते हैं। देखिए इसने फाइल नेम डिफरेंट होने के बाद भी उसको डिलीट कर दिया, तो ये वो भी चेक करता है कि आपकी फाइल सेम है या नहीं, कौन सा वर्जन है, उसका डेटा सेम है या नहीं। तो बिना फाइल नेम सेम होने के बावजूद भी ये डिलीट कर सकते हैं उन फाइल्स को, तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली कितनी भी फाइल्स आप डिलीट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी और आप अब आराम से डुप्लीकेट फाइल्स अपने पीसी से हटा पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।